बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी हूँ। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और प्रेजेंटली मैं जो अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ दैट इज़ एट द यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल लिबर्टी मार्केट लाहौर। मेरे माजी के साथ कि मैंने जब तालीम हासिल की और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब पाकिस्तान में बैरून मुल्क से वापस आया, आई स्टार्टेड माई कैरियर एट मेयो हॉस्पिटल लाहौर वेयर आई सर्व्ड एज रजिस्ट्रार और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज उस वक्त होता था। फिर उसके बाद आई ज्वाइन रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में आई वर्क एज असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर रजिस्ट्रार ओवर देयर। फिर उसके बाद एक अच्छी प्रोपोजिशन बनी, दैट वॉज द सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन लाहौर के अंदर। आई ज्वाइंट सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के अंदर रहते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ हमारा जब हुआ एक इल्हाक, तो उसमें आई सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी लाहौर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के हैसियत से। फिर इसी के दौरान ही मैं आई हैव बिन टू द निश्तर मेडिकल कॉलेज कुछ अर्सा डेपुटेशन के साथ, वहाँ रहा, निश्तर मेडिकल कॉलेज और निश्तर हॉस्पिटल के लिए सर्व किया। देन आई सर्व्ड एट द मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज शहीद, जो कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में था, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि वहाँ पर मैं वाइस प्रिंसिपल था, उनका फाउंडर वाइस प्रिंसिपल था जिन्होंने कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पर मेडिकल कॉलेज एक अच्छे इदारे के तौर पर काम कर रहे हैं। माई एक्सपर्टीज़ यहाँ आने के बाद दैट वॉज द ऑर्थोपेडिक सर्जरी, और मेरी जो तरबियत और तालीम और मेरी जितनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ थी वो रही कि एक बड़ी दुनिया के अंदर नामवर प्रोसेस था, दैट वॉज द इलिज़ारव्स टेक्निक। आई वॉज द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान कि जिसने 1989 के अंदर यहाँ पर आके इंट्रोड्यूस करवाया था इस सिस्टम को, इलिज़ारव सिस्टम को, द रशियन टेक्नोलॉजी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स, नॉर्मल फ्रैक्चर्स, टांगों को बड़ा करना, एक मल्टीपल सर्जरीज एक वक्त के अंदर करना, और उसके अंदर कोई एक खून का कतरा भी ज़ाया किए बगैर। दैट वॉज एन इनोवेटिव जिसने दुनिया के अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर एक इनकलाब लेके आए, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं 1989 में जब आई केम बैक टू पाकिस्तान, आई वॉज द पाइनियर कि जिसने ये सारा यहाँ पर शुरू किया। उस इलिज़ारव टेक्निक के साथ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, उसमें टांगों का बड़ा करना, उसके साथ करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटीज, जो टेढ़ी टांगें होती हैं, बाजू टेढ़ी होते हैं, उनके लिए इलाज मुआलजा, इसके साथ जो हड्डियाँ नहीं जुड़ती उन हड्डियों को जोड़ने की खातिर ये मेथड जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिवली यूज़ किया जाता है। मेरी प्राइड जो बनती है इलिज़ारव की खातिर कि हमने पोलियो रिहैबिलिटेशन के लिए पाकिस्तान में एक टेक्निक जो शुरू की, उसके अंदर टेढ़ी टांगों का सीधापन था, छोटी टांगों को बड़ा करने की खातिर पाँव ऐसे मरीज जो कि ब्रेसिस के साथ चलते थे उनको स्टिक के ऊपर हमने लेके चलने के काबिल बना दिया। इसी के साथ फिर ऐसे मरीज जो कि बिसाखी के साथ चलते थे, स्टिक लेके चलते थे, हाथ रख के घुटने पे चलते हैं, पाँव नीचे टेढ़े थे, उन सब की ये सर्जिकल इस खास टेक्निक के साथ हमने ऑपरेशंस किए, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वी हैड अ वेरी वेरी सक्सेसफुल उसके रिजल्ट जो थे पाकिस्तान के अंदर मिले, और दुनिया के अंदर इसके जो है रिजल्ट वो अच्छे मिलते हैं। तो पाकिस्तान में भी हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया, और इसकी जो इलिज़ारव टेक्निक की जो रशियन टेक्निक थी वो ये था कि एक वक्त के अंदर जो कन्वेंशनल अमेरिका, बरतानिया और दुनिया के अंदर जो मुरवजा उसके तरीका इलाज थे उनके अंदर ये था कि ये 3 से 4 साल वक्त लगता था टेढ़ी टांग को सीधा करना, जोड़ों को फिर आपस में मिलाना, फिर टांग को लंबी करने की खातिर, तो इट वॉज़ अ 3 to 5 years प्रोसेस के वो करने। हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान के साथ आने के साथ, जिसमें मेरी भी छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन है, उसको हमने जब यहाँ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया तो 5 to 6 सर्जरीज के हिप जॉइंट से नीचे पाँव की उंगलियों तक जो था वो सारी सर्जरीज एक ही सिटिंग के अंदर की जाती थी। मेजर 5-6 ऑपरेशन जो है वो इलिज़ारव टेक्निक के साथ किए जा करते रहे हैं, और उसके अंदर जो खूबी थी कि ना तो बड़े कोई चीरे देने पड़ते थे, कोई बड़े कट्स नहीं लगाने पड़ते थे, उसके साथ ये है कि फिर किसी खून के लिए यू डोंट नीड एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की खातिर ब्लड को बगैर कुछ ज़ाया किए ये सारी टेक्निक करते हुए हम पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से 1989-90 ये आज तक हम वो काम कर रहे हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल माइटी कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हम उसके साथ हैं। दूसरी जो मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि मेरी थोड़ी एक कंट्रीब्यूशन है विद इन दी ऑर्थोपेडिक सर्जरी कन्वेंशनल तरीकों के साथ साथ आकर कि मैंने बोन ट्यूमर्स के अंदर जो थी मॉस्को रशिया से तरबियत हासिल की और उनके रिहैबिलिटेशन की खातिर मैंने काम किया। यहाँ आने के बाद जब मैंने देखा कि ट्यूबरक्लोस टीबी
जोड़ की टीबी, हम समझते हैं कि सिर्फ लंग्स की टीबी है, जोड़ों के अंदर भी टीबी जो यहाँ पे देखने की आई। द फर्स्ट सर्जिकल ऑपरेशन जो कि टोटली रिप्लेसमेंट था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस खाकसा ने सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर वे बैक इन 1993 पहला टोटल नी रिप्लेसमेंट ट्यूबरक्लोसिस जो घुटने का था उसको जोड़ को हमने तब्दील वहाँ पे किया। और आज 1993 से लेके और 27-28 साल का वक्त गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन फॉलोअप्स के साथ हैं। उसके बाद और भी हमने मरीजों के ऑपरेशंस किए और वी आर नाउ सक्सेसफुल, अगर दुनिया नहीं तो इस खत्ते के अंदर। ये भी हमारी पहली एक कंट्रीब्यूशन थी जो कि नी जॉइंट को हमने चेंज किया ट्यूबरक्लोसिस के मरीज के अंदर आके। इस तरह से और भी मरीज आते रहे। बाकी कन्वेंशनल जो हैं टीचिंग के अंदर किरदार रहा छोटा मोटा, जो मैं समझता हूँ कि अपने ताई हमने अदा करने की कोशिश की, और जो ब्रिज कायम किया एक मरीज के हस्पताल और टीचिंग के साथ, इन सब को इन लाइन करने के लिए, अलाइन करने के खातिर आई प्लेड अ प्रिमेटिव रोल मैं समझता हूँ उसके साथ। और उसमें जो मेरी तंजीमें मेरे साथ रहीं उस पर मैंने पाकिस्तान ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अंदर 2 दफ़ा मैं उनका मरकजी सेक्रेटरी जनरल रहा, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अंदर कम्प्लीटली मैं मतलब काफ़ी देर से वहाँ पे काम कर रहा हूँ, उसमें लाहौर का मैं सदर, आजकल मैं लाहौर का सदर हूँ, मरकज़ का सदर रहा, पंजाब के लिए जनरल सेक्रेटरी रहा, 2-3 मतलब वहाँ पे रही। इसी तरह से मैंने रीजनल कोऑपरेशन जो हमारा सार्क कंट्रीज़ का है उसका मैं बानी मेंबर हूँ, जिसमें हमने के एक सार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाई ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बेहतर काम कर रही है। इसी तरह से मेरी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की नुमाइंदगी और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया के अंदर क्रिएट करने के लिए एक डिप्लोमेसी की खातिर, आई एम दी नाउ काउंसिल मेंबर ऑफ द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन। ये मेरे लिए भी इंडीड और पाकिस्तान के लिए भी बड़े एहसास की बात है कि हम पाकिस्तान के होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते दुनिया के अंदर जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी, और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। थैंक यू। पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि दुनिया में जैसे तरक्की हो रही है, ऑनलाइन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और लोगों की इंफॉर्मेशन की हद तक जो है बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं। मैं इलाज मुआलजा जो कि एक नया प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, ये लोग खिदमात दे रहे हैं, तो थ्रू द इलाज मुआलजा मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल विच इज़ अ चैरिटी हॉस्पिटल, हम यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ कोई ऐसी फ़ी वगैरह का नहीं है, जबकि एक क्लिनिक के तौर पे ऊपर इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो कि जौहर टाउन के अंदर वाक़ है वहाँ पे शाम के वक्त मैं अपनी खिदमात सर अंजाम देता हूँ, और इलाज मुआलजा वाले दोस्त मेरे इसमें कोऑपरेट करते हैं, एंड दे आर द वन जो कि उनके साथ उनके थ्रू से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं।